नमस्कार आदाब, मैं आपके साथ इमराना हिंदुस्तानी। ठाकुर द्वारा अफजलगढ़ रोड स्थित एक बैंकट हॉल में कोजी ब्यूटी सोसाइटी और कोजी ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी के तत्वाधान में आयोजित टैलेंट हंट एवं ब्राइडल शो का मुख्य अतिथि क्षेत्रीय विधायक आदेश चौहान तथा एकेडमी फाउंडर डायरेक्टर नसीन चौधरी एवं जफर चौधरी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। नसीन चौधरी ने एक बार फिर से क्षेत्र की प्रतिभाओं को बड़ी सौगात दी है। इस बार फिर से टैलेंट हंट 2023 का सफल आयोजन किया गया। नसरीन चौधरी ने क्षेत्र की होनहार प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस वर्ष भी टैलेंट शो सीजन 5 का आयोजन कर उनके टैलेंट को निखारने का मौका दिया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि से आए प्रतिभागियों ने सिंगिंग, डांसिंग, मेहंदी, ब्राइडल कॉम्पिटिशन व क्रिएटिव डिजाइनिंग आदि में प्रदर्शन कर प्रतिभाओं ने धमाल मचाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे प्रतिभाओं ने मेहंदी, सिलाई, ब्राइडल मेकअप आदि में अपने टैलेंट का जोहर दिखाकर दर्शकों के दिलों को छू लिया। टैलेंट शो में डांसिंग सुपर मॉम में सीता गौड ने पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं हेमती बिष्ट द्वितीय, आदर्श लवली तीसरे स्थान पर रही। सिंगिंग में कमल कौर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। लता मोहम्मद आरिफ दूसरे स्थान पर रहे। हर्षिता को तीसरा स्थान मिला। ब्राइडल कॉम्पिटिशन में यूपी मुरादाबाद के अनुराग ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि ज्योति मिश्रा दूसरे स्थान पर रही। वहीं पुष्पा कायनात भावना तीसरे स्थान पर रही। वहीं मेहंदी प्रतियोगिता में मनप्रीत कौर को पहला स्थान मिला। सोनल दूसरे स्थान पर रही तथा गीता ने तीसरा स्थान हासिल किया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शुएब की यह रिपोर्ट। ये बड़े-बड़े प्रोग्राम आयोजित कर रही हैं, मैं ये टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जो अच्छे काम करता है उनको जरूर सम्मान मिलता है। मैं इतना बड़ा कोई कार्य मैंने नहीं किया, एक सामाजिक संस्था के रूप में थोड़ा सा मैंने छोटा सा कार्य किया है। मेरे गुरु संजय राजपूत जी यहाँ पर बैठे हैं, इसी से क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जसपुर उत्तराखंड के मैं नसीन चौधरी को बधाई देना चाहती हूँ। हम चाहते हैं कि आपकी कोविड में और आप देखते हैं इतनी ठंड में आपके कोविड होने के बाद बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो रहे हैं सेव, और हमारे ऑल ओवर इंडिया से सभी आर्टिस्ट आए हैं एज ए थैंक यू मैम। कौन से बैनर के नीचे हुआ है और कौन सा सीजन है? पहले तो मैं सारे व्यूअर्स को विश यू ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी न्यू ईयर बोलना चाहूँगी। ये प्रोग्राम कोजी ब्यूटी सोसाइटी के थ्रू हम ऑर्गेनाइज करते हैं। को पार्टनर कोजी ब्यूटी वर्ल्ड एकेडमी रहता है इसमें, और को पार्टनर की भूमिका निभाते हुए कोजी ब्यूटी सोसाइटी के साथ कोजी ब्यूटी वर्ल्ड का भी अहम रोल रहता है। ये एक टैलेंट हंट एंड ब्राइडल शो, इसमें मैंने इस सीज़न में इंक्लूड किया है सेमिनार। सेमिनार का मतलब है जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं, बहुत सालों से काम कर रहे हैं बट उनको बहुत ज़्यादा बड़ी पहचान नहीं मिली है, तो स्टेज यहाँ पर हमने उन लोगों के लिए एक मंच दिया है। मेरा असल में मकसद है हर एक प्रतिभा को लोगों के सामने लाना, उसके टैलेंट को लोग पहचाने, यही मेरा मकसद रहता है। और ये कोजी ब्यूटी वर्ल्ड फैमिली सलून अकेडमी कोजी ब्यूटी सोसाइटी टैलेंट हंट शो 5वां सीज़न है
माशाल्लाह से अल्लाह के लाख लाख शुक्र से हम ये पांचवा सीजन भी लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। सक्सेसफुल रहा है, सुपर डुपर हिट रहा है। इस प्रोग्राम को करने के पीछे मेरा एक ही मकसद था और एक ही सोच थी कि यहाँ पर हमारे जसपुर में, देखिए यूँ तो हमारा जसपुर में भारत के नक्शे पर है, बट कुछ लोग, जब मैं दिल्ली जाती थी ना, ये बार मैं बार बार दोहराती हूँ, जब मैं दिल्ली जाती थी तो लोग कहते थे कहाँ से हो नसरीन जी, तो मैं हमेशा यही कहती थी मैं जसपुर से हूँ। कहाँ, जसपुर किधर आता है, तो मुझे बताना पड़ता था हरिद्वार देहरादून रोड पर। वही लोग आज जसपुर की सरजमी पर सलाम कर रहे हैं, जसपुर को सल्यूट कर रहे हैं, जसपुर की तारीफें कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी होती मैडम, है। इस कार्यक्रम करने के पीछे आपका मकसद क्या है खासकर? मेरा मकसद है इस कार्यक्रम को करने के पीछे हर एक प्रतिभा को समाज के सामने आना चाहिए। अगर किसी इंसान में कोई हुनर है, कोई टैलेंट है, तो उसको समाज के सामने आएगा। हो सकता है किसी पारखी की नज़र उस पर पड़ जाए और उसका भविष्य बन जाए। तो मेरी यही मकसद रहता है इस प्रोग्राम को करने का। और इस प्रोग्राम में कोजी ब्यूटी सोसाइटी के थ्रू जो ये प्रोग्राम होता है, इसमें आज 28 ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट ने मेकअप किया है बैक स्टेज। बैक स्टेज मेकअप का मतलब होता है वो बच्चे, जो बच्चे अभी बिगनर हैं, उन्हें कोई भी नहीं जानता है। उनकी बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।